नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में फारा सिद्दीकी। तो बात सबसे पहले मध्य प्रदेश के सियासी घमासान की जो लगातार जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट कराए जाने की याचिका पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अदालत से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की गुहार लगाई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस लगातार जारी है। सभी पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है उसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधे चलते हैं हमारे प्रधान संवाददाता विवेक पाठक के पास। विवेक, लगातार जारी है सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, इस पूरे मामले पर क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए फरा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा ये जो सुनवाई जो है मध्य प्रदेश के पूरे राजनीतिक जो सियासी जो संग्राम चल रहा है उसको लेकर हो रही है। आपको बता दें कि आज जिस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ पहुंचते हैं कोर्ट में, तभी उन्होंने आके अपना एक स्टेप साफ कर दिया था कि वो किसी भी तरह से जल्द इस मामले पर जो अपनी कार्रवाई जो है अपना आदेश सुनाना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात की निकल के आती है कि आज विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से खासतौर से 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, जिसमें कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए साफ करना चाह रहे थे कि अभी हालात ठीक नहीं है और फ्लोर टेस्ट के लिए कम से कम उन्हें 2 हफ्ते का समय चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि ऐसी स्थिति में जबकि लेन देन का और जो जोड़ तोड़ का खेल चल रहा हो, तो 2 हफ्ते का समय इसको और बढ़ोतरी ही देगा और इस तरह की चीजों के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो संवैधानिक स्थितियां हैं उस पर खतरा हो सकता है। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया और ये अपनी तरफ से बात भी रखी है कि इस तरह से चीजों को जो है टाला नहीं जा सकता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या ऐसा संभव है कि जो बागी विधायक है आप उनसे वीडियो लिंक के जरिए, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप उनसे बात करके उनसे किसी भी नतीजे तक पहुंच सकते हो। तो इस पर जो विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर मना कर दिया, उन्होंने कहा कि संवैधानिक तौर पर इस तरह की प्रक्रिया को नहीं काल जो लागू किया जा सकता। तो अब ये जारी है और जल्द ही शायद हमें देखने को मिल सकता है कि जो जिस तरह शिवराज सिंह चौहान का जो एक तरह से घेराव है कमलनाथ सरकार को लेकर, जिस तरह से विवेक, बीजेपी लगातार जल्दी फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है, जबकि अदालत की तरफ से कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कराया जा सकता है। क्या लगता है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को अभी वक्त चाहिए, बीजेपी वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, चाहती है जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो, तो क्या कोई बीच का रास्ता अब निकल सकता है? देखिए बात नहीं है कि बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कमलनाथ सरकार अल्पमत में है और ऐसी स्थिति में जब जानकारी है और आरोप का दौर चल रहा है कि फरोख्त की जा रही है या फिर कुछ सिंह ने जिस तरह से कल के दिन जाके बंगलुरु इस तरह से पूरा जो मामला रहा वो हिरासत में लिए गए, प्रदर्शन करने के लिए वो वहाँ मंचन पर बैठ गए, तो इस तरह की जो स्थितियां हैं आसिया के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट। चलिए विवेक, शुक्रिया जानकारी देने के लिए, नजर बनाए रखिए, फिर आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस लगातार जारी है। रुकते एक दूसरी खबर की तरफ, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने आज राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने रंजन गोगोई को शपथ दिलाई। रंजन गोगोई जैसे ही शपथ लेने के लिए तय सीट पर पहुंचे, विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि इसके बाद भी जब शपथ ग्रहण शुरू हो गया तो विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। जस्टिस गोगोई ने शपथ लेने के बाद सभी सदस्यों से हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। वो आज सुबह करीब 10:30 बजे अपनी पत्नी रूपांजलि समेत संसद पहुंचे, जहां कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रंजन गोगोई की अगवानी की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च को जस्टिस गोगोई को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्यसभा में पूर्व सीजीआई समेत विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान लोगों के आने की महान परंपरा रही है। आज शपथ लेने वाले पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई निश्चित तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। इस तरह शपथ ग्रहण समारोह से वॉकआउट करना गलत है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी आज प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में पेश हुए। अनिल अंबानी से यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। अनिल अंबानी ग्रुप की 9 कंपनियों पर यस बैंक का 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज है।
और दुनिया भर में कहर बरपाने के बाद कोरोना वायरस अब भारत में भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं। कोरोना वायरस को लेकर आज रात करीब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट पर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक वीडियो जारी किया है। सीएम योगी ने अपने वीडियो संदेश में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। एक संक्रामक बीमारी है। केंद्र और प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, उसके बचाव और उपचार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सभी 75 जनपदों में हम लोगों ने 1268 बेड आइसोलेशन वार्ड के रूप में आरक्षित किए हैं, जहां पर कोरोना वायरस से पीड़ित सभी लोगों को उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। कोई संक्रमित व्यक्ति है, वह किसी परिवार में रह रहा हो या फिर किसी होटल में, किसी क्लब में या किसी सार्वजनिक स्थल पर हो, तत्काल उसे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करते हुए आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। हाथ धोने की व्यवस्था, बार बार हम हाथ धोएं, किसी भी ऐसे वस्तु को न छुएं जिससे संक्रमण बढ़ सकता हो और जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आए। आवश्यक सावधानी बरतने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और न केवल बच सकते हैं भी तो एक बड़े समुदाय को भी इसकी चपेट में आने से रोक सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही देश और दुनिया की मुहिम में, प्रदेश सरकार के इस अभियान में हम सब भी सहभागी बनेंगे। इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, भयभीत होकर के नहीं बल्कि सावधानी और सतर्कता से हम कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। वहीं महामारी का रूप ले चुका कोरोना वायरस का कहर देश में तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। इस सिलसिले में नोएडा में स्थित देश की एक बड़ी आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज का एक कर्मचारी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। HCL टेक्नोलॉजीज की ओर से आज जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कंपनी के नोएडा ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। वो कुछ दिन पहले ही विदेश की यात्रा कर भारत लौटा था। यह व्यक्ति सेल्फ आइसोलेशन में चला गया। उस कर्मचारी में एक दिन पहले ही कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। कंपनी का कहना है कि हमारा ऑफिस सरकार और स्वास्थ्य सलाहकारों के नियमों का लगातार पालन कर रहा है। कोरोना वायरस का कहर भारतीय रेल संचालन पर भी अपना असर दिखा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लोग सफर करने से परहेज कर रहे हैं और लगातार टिकट रद्द कराए जा रहे हैं, वहीं भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के मद्देनजर 20 मार्च से 31 मार्च तक रेलवे में भीड़ कम करने के लिए 168 ट्रेनों को रद्द कर दिया। रेलवे ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण रद्द की गई ट्रेनों के लिए कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। ट्रेन कैंसिल होने पर यात्रियों को 100% रिफंड दिया जाएगा। आपको बता दें कि चालू महीने के दौरान लोगों ने 60% रेलवे टिकट रद्द करा दिए हैं। इससे पहले रेलवे ने बुधवार को 99 ट्रेनें और मंगलवार को 85 ट्रेनें रद्द की थी। इन ट्रेनों में बुकिंग भी कम हुई थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को पश्चिम मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे की 11-11 ट्रेनें रद्द की गई, जबकि दक्षिण मध्य और उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे की 20-20 ट्रेनों को रद्द किया गया। सबसे ज्यादा यानी 32 ट्रेनें दक्षिण रेलवे और सबसे कम 5 पूर्व मध्य रेलवे को रद्द किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।